सारे बच्चों ने मॉल के बाहर खड़े होकर भीख मांगी, ये फूल बेचे हैं, कूड़ा बीना है, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मॉल अंदर से जाके देख लें कि कैसा होता है। वो अपने पैरों पे खड़े हों ताकि वो अंदर जाके घूम के भी आएँ और अपनी साथ दूसरे और भी संघ के बच्चों को आज मैं कर रही हूँ कल वो। मैं 8 साल की थी उस समय और जो पापा थे उनकी मम्मी को भी कुछ नहीं आता था और मेरे से 2 छोटे और थे। सबसे पहले मुझे जो काम दिखा वो था पूरा नहीं दिखा नहीं मिल जाने का मतलब थी। फिर उसके बाद फूल बेचने का जब मैं काम करती थी तो वहाँ पर एक एनजीओ से वॉलंटियर्स आकर पढ़ाते थे बच्चों को, तो वहाँ पर मैंने जाकर पढ़ना स्टार्ट किया। और सिर्फ उस समय यही सोचती थी कि स्कूल का तो पता नहीं लेकिन ये ड्रेस पहनूंगी ज़रूरी है। मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे आज भी बच्चे हैं जो स्लम्स में रहते हैं, बस उन्हें ही निकालना है और उन्हें मेन स्ट्रीम की लाइफ देनी है। हम स्लम्स के अंदर जाके सर्वे करते हैं और ऐसे बच्चों को ढूंढते हैं जो बच्चे कभी स्कूल नहीं जाए। हम बच्चों को रेडी करते हैं स्कूल के लिए 1.5 ईयर के अंदर। अगर हमारे पास 10 साल का बच्चा आता है उस बच्चे को 1.5 ईयर के अंदर कम से कम 5वीं तक रेडी है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में बैठ के पढ़ना एक स्लम्स के बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती है और उसे बहुत अच्छा फील होता है जब वो उसे ये मौका मिलता है। आज हम कह सकते हैं कि 370 बच्चों के सपने पूरे हैं। उन बच्चों को हम शाम को ट्यूशन से, आज के टाइम में हमारे पास 8 टीचर्स हैं, खाने से लेके पढ़ाई से स्टेशनरी से स्कूल की मतलब ड्रेस से बुक्स से और उनकी स्कूल की फीस वो हम देखते हैं। उन सभी बच्चों की होप हमसे दूर है। अगर हमने उन बच्चों का साथ छोड़ा तो ये बच्चे वापस स्लम में चले जाएंगे। बस हम यही चाहते हैं कि आप हमारी सोच से जुड़ें, हमारा साथ दें और इनके जो सपने हैं वो पूरा करने में आप हमें